प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में है उ की मात्रा, जिसे हम बड़ा उ भी कहते हैं। मैं आपको इसे थ्री स्टेप्स में सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उ से आपने क्या पढ़ा है? ऊन। इसकी मात्रा देखिए किस तरह से लगती है, इस तरह से राउंड करके, मीन्स व्यंजन की जो स्टैंडिंग लाइन है उस पर इस तरह से राउंड करके राइट हैंड साइड में ऐसे थोड़ा सा खींच देते हैं। जो स्टैंडिंग लाइन है उस पर देखिए इस तरह से राउंड हैंड साइड में कर देते हैं, खींच देते हैं। तो जब किसी भी व्यंजन के साथ उ की मात्रा लग गई, मीन्स अब उसमें उ के भी साउंड को आपको मिला के बोलना है, ठीक है। तो जैसे का में उ को अगर मिलाएंगे का में उ के साउंड को, तो क्या पढ़ा जाएगा? कू, ठीक है। तो इस तरह से आपको का से यहाँ तक कि सभी व्यंजनों पे उ की मात्रा लगाते जाना, उसको मेरे साथ साथ पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो का में उ की मात्रा लगी तो कू, खा में खू, ये बड़ी उ की मात्रा है तो उ का जो साउंड है वो थोड़ा बड़ा आएगा। छोटा, छोटी उ की मात्रा में छोटा आता था, मात्रा लगने पे आप उसे क्या बोलते थे? कू, खू। मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन की है। आज ये है बड़ी उ की मात्रा, तो ये जो साउंड आएगा उ का ये थोड़ा बड़ा आएगा। गा में अगर लगा तो गू, घा में घू, अंगा पे कोई मात्रा नहीं होती और यहाँ पर भी। च, तो मात्रा लगने के बाद इसे पढ़ेंगे चू, छ, छू, ज है जू, झ, जू। आपको इस तरह से का से ज्ञा तक के सभी व्यंजनों पर इसको लगा के पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। ट है, देखिए जिनमें स्टैंडिंग लाइन नहीं होगी तो जो पार्ट सबसे नीचे होगा वहां पे आप ये मात्रा लगाएंगे, राउंड करके इस तरह से खींच देंगे। टू, ठू, डू, ढू, ऊ के साउंड को मिला के आप बोलते जाएंगे। ऊ की मात्रा है इसलिए ऊ के साउंड को आप मिलाएंगे। त है, तू, था, थू, दा से ही हो गया दू, धा से धू, ना से नू, ठीक है, ऊ के साउंड के साथ बोल रहे हैं। प, पू, फ, फू, ब से ये बू। इस तरह से आपको सभी व्यंजनों पे लगा के प्रैक्टिस करनी है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। भ, भू, म, मू, या है यू, रा में देखिए यहाँ पे ना लग के यहाँ पे लगता है, राउंड करके इस तरह से ये देखिए। रू, ल है तो इसको बोलेंगे लू, वा से वू, शा से ये हो गया शू, श मात्रा के बाद इसको पढ़ेंगे शू, स, सू, हा है तो ये हो गया हु, अच्छा है छू, त्र तो इसे बोलेंगे त्रु, ज्ञा है तो इसको बोलेंगे ग्यू, और श्रा है ये अतिरिक्त व्यंजन है श्रु। तो इस तरह से आपको का से ज्ञा तक की सभी व्यंजनों पे लगा के पढ़ के प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों को ऊ की मात्रा वाले बोलती हूँ और आप भी मेरे साथ उसको समझिए कि मात्रा किस तरह से लगती है, ठीक है, कैसे हम सोच के उसको लिखेंगे। पहले मैं आपको कुछ शब्दों को लिखना सिखाऊंगी, फिर मैं आपको उस बुक से रीड करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए कुछ शब्दों को मैं बोलती हूँ और आप उसको समझने की कोशिश करिए। बोल रहे हैं दूर, ऊ का साउंड किस व्यंजन से आप आ रहा है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। दूर, तो जो ऊ का साउंड आ रहा है वो द पे आ रहा है, देखिए दूर तो द है, ठीक है। दूर लिखने के लिए क्या करेंगे, द पे ऊ का मात्रा लगा देंगे दू, अब ये हो गया द से दू और रा, दूर। दूसरा व्यंजन लिखते हैं, दूसरा शब्द कुछ लिखते हैं, है फूल, फा से देखिए ऊ का साउंड आ रहा, फू, ला, फूल, सॉरी फॉर ब्लर, भूल, भा से देखिए ऊ का साउंड आ रहा है, थोड़ा सा शुरुआत में हो जाता है फिर सही हो जाता है, उसके लिए सॉरी बहुत बहुत। भूल, भा से ऊ का साउंड आ रहा है भू और ला, ला खाली आ रहा ला, ठीक है, भूल, समझना है। ये देखिए दूर, फूल, भूल, दूध, दू, ये दू हुआ, दा से दू हो गया ऊ का साउंड और ध, आ का साउंड देखिए नहीं आ रहा, बस ध, दूध। अब देखिए ऊ की मात्रा आ के साथ है, जैसे एक शब्द हम बोलते हैं सूखा, खा में देखिए सा से ऊ का साउंड आ रहा और खा से आ का साउंड आ रहा, आप इसको समझिएगा। सू, सा में ऊ की साउंड है तो सू हो गया और खा से देखिए किस क्या साउंड आ रहा, आ, सूखा, तो इसे इस तरह से लिखेंगे सूखा। झूला, झा से ऊ का साउंड आ रहा तो झा पे इसकी मीन्स है ऊ की मात्रा और ला, ला, पूरा माउथ ओपन करके अगर बोला जा रहा किसी वर्ड को तो इसका मतलब है कि आ की मात्रा है, झूला। कुछ और शब्द लिखते हैं, जूता, जा पे ऊ, जूता, जूता। बूढ़ा, बा पे ऊ अढ़ा, ये अतिरिक्त व्यंजन है, ठीक है, जब आप
पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। का से ज्ञा तक के अलावा दो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, बूढ़ा, ठीक है, ये आ की मात्रा के साथ। अब कुछ हम ई की मात्रा के साथ ऊ की मात्रा को लगाते हैं। चलिए चूड़ी, चा से देखिए ऊ का साउंड आ रहा है तो इस पे हुआ चू, चा को चू बने, और री, रा से ये रा है, इससे आ रहा है आपको ई का साउंड री, देखिए खींच करके तो ये बड़ी की मात्रा आ रही चूड़ी। मूली, समझिए मू मा पे ऊ की मात्रा, ली मूली। आलू, आ पूरा आ रहा है, ठीक है, बड़ा मीन्स आ, लू आलू, भालू भा, लू भालू, ठीक है भालू। कुछ और शब्दों को लिखते हैं, सूरज, सू रा और ये जा, सूरज। कूदना, कू देखिए कू द, का पे ऊ के साउंड आ रहा है कू द, ना ना पे मीन्स आ की मात्रा है क्योंकि ना आ रहा है। कूदना, सर जू, ये सूरज है, या कुछ और आलू वर्ड लिखते हैं, कचालू क, चा लू, ला से ऊ का साउंड देखिए आ रहा क, चा लू तो कचालू। तूफान, तू समझ रहे ना, तू फा, फा बनाया आपने, फा नहीं फा, तो फा को फा बनाने के लिए बिंदी रखते हैं, फा फा आ का साउंड आ रहा और ना, तूफान। एक कुछ और शब्दों को लिखते हैं, कूदना, कूदना मैं लिख चुकी हूँ कुछ और शब्दों को, कचालू ये भी हो गया है, तरबूज, त र बूज, तर तर बू जा पे बिंदी होगी तब ये हो जाएगा जा, तरबूज। खरबूजा, ख र बूजा, बू और जा, देखिए जा की वजह ये हो गया जा, जा से ये जा हो जाता है जब हम बिंदी रख देते हैं, देखिए फा से हो जाता है फा और जा से हो जाता है जा। खरबूजा, मजबूत, सॉरी सारा मजबूत या मजबूत जो भी बोला जाता है, मजबूत, जा अगर है तो बिंदी नहीं होगी और अगर जा है तो बिंदी रख देंगे, मजबूत, बा से ऊ का साउंड आ रहा है और ता, मजबूत, समझ रहे हैं आप। अब कुछ हम शब्दों को पढ़ते हैं बुक से ताकि आपको अच्छी तरह से ये मात्रा समझ में आ सके, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे मैं शब्दों को पहले आपको पढ़ना सिखाती हूँ, फिर मैं कुछ वाक्यों को भी आपके सामने पढ़ूंगी। जैसे ये है धू, धा पे ऊ की मात्रा तो इसको बोलेंगे धूला, धूल, झूला, झूल, फूला, फूल, भूला, भूल, मूला, मूल, कूटा, कूट, फूटा, फूट, बूटा, बूट। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे थ्री स्टेप्स में। लूटा, लूट, सूट, सूट, आलू, आलू, कालू, कालू, ये पूरा पूरा आ, अगर माउथ ओपन करके पूरा बोलना आ की मात्रा है सॉरी, तो आपको पूरा माउथ ओपन करके बोलना है, मीन्स पूरा व्यंजन को पूरा बोलना है। कालू, कालू, तालू, तालू, भालू, भालू, शालू, शालू, कपूरा, कपूर, कसूरा, कसूर, खजूरा, खजूर, जरूरा, जरूर, हजूरा, हजूर। कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं, चूराना, चूरन, पुराना, पूरन, पूनामा, पूनम, मुराता, मूरत, सूराता, सूरत, ये कुछ बड़े हैं शब्द, करा तूता, करतूत, शाह तूता, शहतूत, मजा बूता, मजबूत, राज पूता, राज, सॉरी रा नहीं बोले इसको रा क्योंकि आ की मात्रा है, देखिए राज, राज पूता, राजपूत, चूर, 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 भरा पूरा, भरपूर, मजा दूरा,
मजदूर, मजबूरा मजबूर, ये कुछ शब्द हैं। अब हम कुछ वाक्यों को भी प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की। बोल कर पढ़िए और समझिए। आशु आशु, आशु उठ उठ, सूरज निकल आया, आशु उठ सूरज निकल आया। मीनू अब तू भी उठ, मीनू अब तू भी उठ। पूनम कूड़ा उठा कर कूड़ा घर तक जा, जा पे आ का मात्रा है तो जा हो गया। आशु दूर तक घूम कर आ, देखिए जो स्टैंडिंग लाइन होती है इसे कहते हैं खड़ी पाई हिंदी में, जब एक सेंटेंस या एक वाक कंप्लीट होता है तो ये खड़ी पाई लगा दी जाती है। मीनू फूल ला, चीनू भगवान की पूजा कर, फूल चढ़ा चढ़ा। कपूर वा धूप जला, आशु दूध पी तथा पूड़ी खा, देखिए पी ई की मात्रा तो पा से ये पी हो गया, खा से ये हो गया खा, ठीक है। तो मात्रा को आप पुराने भी रिवाइज करते चलना, ध्यान देना है कि किस तरह से पढ़ेंगे। सूट पहनकर दुकान जा, आलू मूली कचालू तरबूज व खरबूजा ला। पूनम आलू व कचालू की चाट बना, तरबूज व खरबूजा, देखिए तरबूज हुआ ठीक है और ये जा हो गया, खरबूजा भी मिला। मूली की सलाद खूब खा, चीनू बाहर सरजू मदारी आया, साथ साथ कालू भालू भी लाया। मदारी डमरू बजा रहा था, सरजू डमरू बजा कर गुनगुनाया। भालू खूब नाचा कूदा, सभी 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 बालक खूब खुश हुए। तो मैंने आपको हर तरह से सिखा दिया है, मतलब थ्री स्टेप में मैंने आपको पहले सभी व्यंजनों पे, फिर लिखना कुछ, फिर पढ़ना भी आपको सिखा दिया। आई होप को कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।